क्लास इंटर जो चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन आए सबका मेरे माता पिता जो द इंटीग्रेशन आए छ इंटीग्रेशन डेरिवेशन जो इनवर्स प्रोसेस है इन एक करने के एंटी डेरिवेटिव जो है डेरिवेशन के फार्मूले में इंटीग्रेशन के फार्मूले में ये फर्क आए तो हम मल्टीप्लाई जो जो आता है उन्हें डिवाइड कर देते हैं माता पिता से जो समझाया है दोस्तों पहले तो आगे डेरिवेशन के बारे में समझाया है दोस्तों और इंटीग्रेशन जो फार्मूले जो इंफॉर्मेशन समझाया है डेरिवेशन में क्या करना होगा डेरिवेशन में फर्स्ट साइड को फंक्शन होता है f(x) = x पावर n प्लस 5 c देना है c के अंदर जो कांस्टेंट टर्म 0 थी वो आया अक्सर डेरिवेशन में 0 जो थी वो आए चाहे करे जो कांस्टेंट टर्म अकेलो का टाइम आए या अगर परिजन में शेयर है चलो कांस्टेंट टर्म सा 0 पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा हो हर कांस्टेंट टर्म सा 0 पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा अगर हो तो आए इने करे उन्हें के पॉलीनोमियल चाहिए हो आए और जगह सा हमने डेरिवेशन कराए ना सी तैने जो फार्मूला चाहे डेरिवेशन में हमेशा पावर सबका पहले नॉमिनेटर सा मल्टीप्लाई थी द पावर मल्टीप्लाई थी तो एच द जीरो में आई पावर मा 1 माइनस कर रहे थे साथ में अगर फंक्शन टर्म सा 0 मल्टीप्लाई थी तो वो सजो थी तो 0 इन्हें ये करे फंक्शन टर्म 0 थी बिंदु है डेरिवेशन जब ये टर्म सजो सजो 0 थी तो बाकी का सब डेरिवेशन पे सब जो डेरिवेशन पे जो n x पावर ही आहे डेरिवेशन जो फार्मूला हाय माता के इतने के सब हैं इसे तो इन्हें टर्म थी एंटी डेरिवेटिव के थे तो ना के खबर कर दीजिए तो इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस आहे डेरिवेशन आणि फाइव तो प्रोसेस इंटीग्रेशन करते आहे एक्स पावर एन प्लस सी डीएक्स तो सब का पहले सारे के सेपरेट ना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स प्लस सी ये तो बताए बताए कि कांस्टेंट टर्म बनते हैं वो गायब हो हमेशा उनके साथ में x पावर 0 या वेरिएबल के बता 0 पावर होंडो आए ताने प्रोसेस सारे डेरिवेशन में पावर पहले मल्टीप्लाई जो पर हिते को माइनस जो पावर पर हिते चाहते तो इंटीग्रेशन फिर प्रूव कर दो आगे में चाहते ना थी पावर में 1 पे प्लस कर दो को हो पावर हेट डिवाइड कर दो इतना था तब ते मल्टीप्लाई कर जो पावर डिवाइड कर जो इना 1 माइनस कर जो इना 1 प्लस कर जो सारी तरह सा जे करे हिते पे हे पावर मल्टीप्लाई किया या पे हे पावर डिवाइड किया ते खत्म थी गया काम चल रहा पर ने पावर में पे ऐसा 1 प्लस का करे उने का भरत ने कोई पावर है डिवाइड कर करे जे पे हे डिवाइड करे ना सी ता सा जो कांस्टेंट है मने में खत्म थी तो मे बी इनफाइनाइट जो बचे थी जो 0 वाला मान 0 इन नंबर डिवाइड कर 0 इनफाइनाइट हां इने के सिंपलीफाई करा दी देख लो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी एक्स जगह पर इंटीग्रेशन करा थी देखो कांस्टेंट टर्म सा एक्स्ट्रा जरूर लगाई था थी जो सी इस्तेमाल ज्यादा है कहां से कांस्टेंट टर्म लिखना थी टी तो द सी जो को वेन ना है वो हमेशा का कांस्टेंट टर्म सी के साथ लिखना है पर सी इन्हें करे खाना तो बोलो सर सम इस्तेमाल आए थे पर जब सम में भी सी इस्तेमाल ज्यादा है तो कांस्टेंट में जाने से लगा था थी टी लगाई था थी हां प्रकार से लो तो ही असर की थी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है ये सारी हुई डेरिवेशन और बिल्कुल है ना सब तरह से इनवर्स क्लासिफाई तेरे के लिए इन्हें की चीज हुआ है एंटी डेरिवेटिव जेकर आप साइन के समझ लिया हो तारे अजो तारे के बारे में आप एग्जांपल सॉल्व कराया एक्सरसाइज नंबर 6.1 पहले एक्सरसाइज आ इंटीग्रेशन थी ही फार्मूला हमेशा बने से रहते रहो कुछ वैल्यू बन के कांस्टेंट के हिसाब से आ सके जल्दी फाइंड आउट करना समझ रहा है वो एक है तो कांस्टेंट टर्म जदा मिले तो जे उन जे इंटीग्रेशन करा दे तो ने सा विद रिस्पेक्ट जे जे सा इंटीग्रेशन के उदा वो वेरिएबल जे आई एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म लगाए जा रही इंटीग्रेशन डेरिवेशन में विदाउट सोचन समझ ले जे को कांस्टेंट टर्म हो उने की डेरिवेशन 0 थी दुनिया है पर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म सा अगर वेरिएबल अचीव हो आए ठीक है वो थाने एक्सरसाइज आ है 6.1 या एक्सरसाइज इंटीग्रेशन या इन्हें जो सब पहले सुन लिया तेरे बाद तो आगे इंशाल्लाह कोड अंदर होने के दो तरह इंटीग्रेशन पर के दिया सामना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx पर ही ऐसा है इंटीग्रेशन को सुन लिया इंटीग्रेशन
algebraic expression आए जब रहते हैं trigonometric ratios होता तो मैं एक trigonometric फर्क के हिसाब से सॉल्व करता हूं algebraic expression के हिसाब से करता है असल में डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर्स तो बात ही तो पर जितना है मैं टर्म साइड ओत्रो एक ऐसा सेपरेट कर देता हूं हर एक टर्म साइड अलग सा x स्क्वायर dx प्लस 4 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 13 इंटीग्रेशन ऑफ dx अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन फार्मूला पावर में 1 प्लस कराई ना सी आई वही पावर एट डिवाइड बोल रहा था प्लस वही पावर में 1 प्लस कराई ना सी वही पावर एट डिवाइड बोल रहा था मुताबिक सेट बताए हो तो जेको कांस्टेंट ना हो दो जे विद रिस्पेक्ट सर इंटीग्रेशन कराई ना सी उने साकर ओ वेरिएबल अच्छी आने के सिंपलीफाई करें 2 प्लस और ग्राफ ना करें x पावर 3 अपॉन 3 प्लस 4 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13x प्लस c ये जीरो 1 अपॉन 3 x क्यूब प्लस टेबल लगाने तो लगाई था सी 2 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस c ये जो आसान हो क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन को उम्मीद है तो आपके ही शेयर समझ में अच्छी गई होगी पुट अहेड एक्स को क्या जेके एक्स फार्मूला और तमाम आसान साथी होगा इंटीग्रेशन या जेके डायरेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिले होगी उन्हें के साथ सेपरेट करें आसानी से सॉल्व करने के लिए कदे कदे इंटीग्रेशन या ऐसा सब मिले होगा जेके डायरेक्ट सॉल्व नहीं ना है तो उन्हें में छा करना पड़ता है उन्हें में साथ यूज करना पड़ता है तो जेको साइंस समझल आए छा उन्हें जो होते होते डेरिवेशन तो नहीं मिलेगा सर जी है इन एक्सरसाइज में असंजा थोड़ा सा समझा है पहला समझा चार पे सब आसान सा थी ना अचो सम नंबर 6 पे या सम नंबर 7 पे ये जेके सब आए ये सब लेट के साथ आ गए 6 नंबर सम इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल पावर 2 अपॉन 3 dx पर ही जो समा इन के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता चला जाऊं छा जे करे जे पता को पावर आए 2 अपॉन 3 आए इन 2 अपॉन 3 के साथ बंदा ऐसा के भाई नंबर थ्योरम इस्तेमाल करो बंदो आई भाई नंबर थ्योरम इस्तेमाल करा तो सब तमाम बड़ो थी तो हाने इन के की करना है कोसाइन बटना दीजिए लेट्स 2x प्लस 3 केड़े वेरिएबल के साथ बता लेट हो सकता पर शर्त जो है तो वेरिएबल सम में इस्तेमाल करना होती वो साइन ना नहीं नहीं डेरिवेशन करना नहीं डेरिवेशन बोथ साइड्स इन एक डेरिवेशन की 2x की थी 2 3 कांस्टेंट टर्म आए उन्हें की थी 0 2x dx इज इक्वल टू dz ये थी ऐसा नहीं इंटीग्रेशन अरे डेरिवेशन की सॉरी द dx इज इक्वल टू dz अपॉन 2 थी असा के अंदर मिनट ना की वैल्यू कर dx आई ए जो बस जो वैल्यू आए तां जो ही सजे सजे सारे बराबर थी z के आई dx असा के चल रहा है dz अपॉन 2 तो वैल्यू पुट ना की z इक्वल टू 2 अपॉन 3 आई जो dz अपॉन 2 तो ये अपॉन में 2 आए जो बाहर आती तो थी 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ z पावर 2 अपॉन 3 dz हर सिंगल टर्म थी सिंगल टर्म की इंटीग्रेशन से ना तमाम आसान आए रूल्स आप इस्तेमाल कर दो पावर में 1 प्लस करना थी आई और पावर है का डिवाइड करना थी लास्ट में कांस्टेंट टर्म में रहना थी आने तो आगे कवर आप फ्रैक्शन सा कर दो जिधर को टर्म प्लस या माइनस की तो आए तो उन्हें जी एलसीएम चलाए गया एलसीएम में 3 मल्टीप्लाई का 1 यो 3 दो 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस सी 800 तो सम चाहतो बचेगा भी 3 प्लस 2 5 z पावर 5 अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस c 5 अपॉन 2 मेरे ना साथ ऐसे प्रोग्राम कर दी ये वाला अपॉन 2 सा हो गया ये जो 2 अपॉन 5 पार्ट में मेरे पास है 2x प्लस 3 होल पावर 5 अपॉन 2 प्लस c ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैंसिल किया जब लास्ट में सब कैंसिल कर जो 2x प्लस 3 होल पावर 5 अपॉन 2 प्लस थोड़ा उम्मीद है तो कोई लेक्चर ऐसा गया होगा आगे समझ में अच्छी हो तो लेक्चर के ऊपर शुरू करने के लिए जरूर सुधार करो तो जैसे ना ये तो इस तो तरह का आगे पूरी बात समझ में आएगी अब तो मेरी सीधा लेक्चर के चले तो ताकि सभी लेक्चर समझ में नहीं तो आई जगह तो आगे ये समझ में अच्छी गई थी तो आप इनके सब्सक्राइब आई